नमस्कार, मैं देवकी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया की जो विशेषताएं बताई है उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सामाजिक क्रिया के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। जैसा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ या प्रतीकात्मक अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो और साथ ही उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित होती हो। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि यदि किसी व्यवहार या गतिविधि में स्वयं कर्ता के द्वारा दिए गए अर्थ को जोड़ दिया जाए तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे कि बिलफर्ड पैरेटो ने क्रिया में दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन मैक्स वेबर ने स्वयं कर्ता के द्वारा दिए जाने वाले अर्थ को महत्वपूर्ण माना है। यानी कि व्यक्ति स्वयं या कर्ता जो क्रिया करने वाला है वह स्वयं क्रिया का क्या अर्थ लगाता है उस अर्थ को समझने पर मैक्स वेबर ने जोर दिया है। और इसी को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया है। तो आज हम देखेंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एक्शन, तो इसमें पहली जो विशेषता है मैक्स वेबर के अनुसार वो है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा प्रभावित होती है। अर्थात मैक्स वेबर ने कहा है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या उनके भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो सकती है। जैसे कि मान लो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि भूतकाल में उसके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया हो तो उसका बदला लेने के लिए वह अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार यदि किसी नेता के साथ साथ भीड़ के द्वारा नारेबाजी की जाती है या जय जयकार की जाती है उसकी तो वो भी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे भीड़ का जो व्यवहार है वो नेता के व्यवहार से या उसकी क्रिया से प्रभावित है और उसकी जो प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई कंपटीशन की तैयारी करता है या उसकी भविष्य में जो होने वाली परीक्षा है उसकी तैयारी करता है तो वो भी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि ये उसके एग्जामिनर है जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा यहाँ पे कर्ता की क्रिया प्रभावित है तो यह भी उसकी सामाजिक क्रिया का उदाहरण है। दूसरी जो विशेषताएं बताई है मैक्स वेबर ने वो है कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। जैसे कि व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, अनेक प्रकार का व्यवहार करता है, लेकिन सभी प्रकार की क्रियाएं या सभी प्रकार का व्यक्ति का व्यवहार वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा या सामाजिक क्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं या बेजानदार जो पदार्थ हैं उनसे प्रभावित यदि व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें बिजली कड़कने कि जो आवाज़ है उसके डर से यदि मान लीजिए किसी बच्चे की या किसी की चीख निकलती है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसकी यह क्रिया निर्जीव वस्तु या निर्जीव घटना या बेजानदार घटना के प्रति प्रभावित
है या उसके प्रति व्यक्त की गई है। और इसी प्रकार अकेले में बैठकर ईश्वर का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन यदि इसके स्थान पर सामने यदि पुरोहित के द्वारा मंत्र उच्चारण करने पर व्यक्ति यज्ञ में आहुति देता है, मूर्ति पर फूल चढ़ाता है या और वस्तुएं चढ़ाता है, तो उसकी यह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, उसकी क्रिया ये सामाजिक क्रिया के अंतर्गत मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति का व्यवहार है वो पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता। यानी कि व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करता है, व्यवहार करता है, तो उसका सभी प्रकार का जो संपर्क है या व्यवहार है वो सामाजिक संपर्क के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। उसे केवल उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का जो व्यवहार है वो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो और साथ ही उनसे प्रभावित होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि सड़क पर मान लीजिए दो स्कूटर सवार टकरा जाते हैं आपस में और एक दूसरे को बिना कुछ कहें वो चले जाते हैं, तो ये उनका जो संपर्क है ये सामाजिक संपर्क नहीं होगा या सामाजिक क्रिया नहीं होगा। लेकिन इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों मारपीट करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो एक दूसरे से संबंधित है और साथ ही एक दूसरे से प्रभावित भी है। अगली जो विशेषता बताई है मैक्स वेबर ने वो है कि सामाजिक क्रिया में दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित होना आवश्यक है। यानी कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। यहाँ पे मैक्स वेबर ने दूसरे व्यक्तियों द्वारा और दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर किया है। उदाहरण के रूप में हम ये देखें कि रास्ते में कुछ व्यक्ति जा रहे हैं एक साथ और अचानक यदि बारिश शुरू हो जाती है तो सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं, तो उनकी ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो छाता लगाने की जो क्रिया है वो एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से उनका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका जो संबंध है वो बारिश से है। और इसी प्रकार दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का केवल अनुसरण करना वो भी सामाजिक क्रिया नहीं माना जाएगा जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित नहीं हो जाता। यानी कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित होना आवश्यक है। जैसे कि एक व्यक्ति को किसी रास्ते में जाते हुए देखकर यदि दूसरे व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाता है तो उसका ये व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति या स्टूडेंट अपने अध्यापक के द्वारा प्रयोग किए जाने पर उसका अनुसरण करते हैं, यानी कि उसके व्यवहार का अनुसरण करते हैं, तो यह उसकी सामाजिक क्रिया कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पे छात्रों की जो क्रिया है वो अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की ये चार विशेषताएं बताई है और उन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान माना है जो कि सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है और इसके द्वारा क्रियाओं के बीच जो कार्य कारण संबंध है उनको ज्ञात किया जाता है।